आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज जो रखे आपको A1। उन शब्दों के भाव बता दो जिनसे तुम आकर्षित हो, मुझको ऐसी ज्वाला दे दो जिसमें हृदय समर्पित हो, एक झलक दिखला दो मुझको तम का तर्पण हो जाए, हृदय गरल सब सरल बने मन का अर्पण हो जाए, हृदय गरल सब सरल बने मन का अर्पण हो जाए। इन शब्दों के साथ अब दीप प्रज्वलन। किसी ने कहा है जोरदार तालियों से शामिल रहे दीप प्रज्वलन में। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ये दीप प्रज्वलन, और अब दिल्ली की आदरणीय शिक्षा मंत्री, लोक निर्माण विभाग मंत्री आदरणीय आतिशी मैडम, शिक्षा सचिव सर, शिक्षा निदेशक सर और अन्य हमारे सभी अधिकारीगण, क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री प्रकाश जरवाल जी, क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डर कर छट जाते हैं, एक नूर बहे नूहरानी सा रोशन ये आलम हो जाए, आओ आओ मिलकर एक दीप झिलमिल सा जलाते हैं। और अब जोरदार तालियों से सभी हाथ वेव करके आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का अभिनंदन करें। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। और अब हमारे छोटे छोटे बच्चे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध, आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं, आपसे पीछे वाले साथी को भी दिखना चाहिए, प्लीज बैठ जाएं सब लोग, बैठकर आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे संगम विहार देवली स्कूल से सर का अभिनंदन कर रहे हैं, ये नवांकुर भेंटकर, ये छोटा सा नवांकुर एक जीवंत पौधा, हम सबके प्रेम का, हम सबके सम्मान का, और ये एक छोटी सी बच्ची ने पोर्ट्रेट बनाया, जोरदार तालियां। ये हमारी छोटी सी बच्ची जिसने ये पोर्ट्रेट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का बनाया है, और ये नवांकुर हम सबके प्रेम का, देवली के प्रेम का सर आपको ये नवांकुर हम भेंट कर रहे हैं। साथ ही एक स्मृति चिन्ह हमारे विद्यालय और हमारे इस जिले की ओर से सर के लिए विशेष। इसी क्रम में अब मेरा अनुरोध हमारी दूसरी बच्ची आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का अभिनंदन नवांकुर और उनके एक पोर्ट्रेट के माध्यम से, साथ ही स्मृति चिन्ह। सबसे पहले जोरदार तालियों से आइए शामिल हों हम भी इस बहुत ही प्यारे सम्मान में। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों के द्वारा बनाया गया ये पोर्ट्रेट हमारी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बच्चों के इस महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान के लिए निश्चित तौर पर हम बच्चों के आभारी हैं। इसी क्रम में हम क्षेत्रीय विधायक महोदय को अपने विद्यालय परिवार की ओर से, अपने शिक्षा परिवार की ओर से ये नवांकुर भेंट कर रहे हैं, जोरदार तालियों से आइए सहभागी बने। आदरणीय श्री प्रकाश जरवाल विधानसभा सदस्य दिल्ली विधानसभा, अब हमारे बच्चों के द्वारा ये छोटा सा एक प्रतीक चिन्ह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। इसी क्रम में हम आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय को हमारे शिक्षा परिवार की ओर से ये एक नवांकुर हम भेंट कर रहे हैं। हमारे बच्चे और आप सबसे अनुरोध, जोरदार तालियों से आइए शामिल रहें इस बहुत ही प्यारे अभिनंदन में, इस बहुत ही प्यारे सम्मान में। और अब आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय हमारे डायरेक्टर सर को जोरदार, और देखिए सहजता और सरलता देंगे, जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन के इस अवसर पर सहभागी बने।
आप सब यहाँ हैं और साथ में आए हुए सभी प्रबुद्धजन, आपकी खुशबू जग में फैले, यश उतंग हिम पर्वत हो, यही दुआएं श्रीमान जी। आपकी आयु शत शत हो, आपकी आयु शत शत हो, आपकी आयु शत शत हो। और अब मीठी ज्ञानवान बात और चेहरे पर मुस्कान, यही है हमारे सेक्रेटरी सर की पहचान। मेरा अनुरोध सर से आए और स्वागत भाषण हम सबके बीच रखें। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत करें आदरणीय शिक्षा सचिव सर का अनुरोध संबोधन के लिए। श्रीमान नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा मंत्री मैडम अतिशी जी, क्षेत्र से एमएलए प्रकाश जारवाल जी, डायरेक्टर एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, पेरेंट्स और देवली क्षेत्र से आए हुए सम्माननीय नागरिक, सभी का इस पावन पर्व पर हार्दिक सम्मान और सभी को हार्दिक बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा का क्षेत्र किसी भी एरिया के लिए डेवलपमेंट और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और आज यही समृद्धि और विकास इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री साहब ने स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन करके दिया है इस क्षेत्र को, जिसमें ये विद्यालय यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए समर्पित किया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि विद्यालय में 62 कमरे हैं, लाइब्रेरी है और लेबोरेटरीज हैं। लेबोरेटरीज में सभी तरह की सुविधाएं हैं और विद्यालय में बच्चों के लिए साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम रखी गई हैं, क्योंकि एरिया में अभी 3 स्कूल हैं जो पहले से ही बच्चे ज़्यादा हैं, तो उन स्कूलों में से बच्चे यहाँ पे डाइवर्ट होंगे और क्षेत्र से और भी बच्चे यहाँ पे डाइवर्ट हो सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि यहाँ के शिक्षकगण और बच्चे इन सभी सुविधाओं का भरपूर उपयोग उठाएंगे और अपना अपना शिक्षा के क्षेत्र में नाम अमर करेंगे। एक बार पुनः इस समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से हम सब अपनी उपस्थिति भी दर्ज करें और सभी से अनुरोध अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि आपके पीछे जो साथी बैठे हैं उन्हें देखने में कष्ट हो रहा है, तो प्लीज सभी लोग बैठ जाएं अपनी सीट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप यहाँ मंचस्थ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, क्षेत्रीय विधायक और हमारे शिक्षा परिवार के शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक महोदय का जोरदार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें इस बहुत ही प्यारे भवन के उद्घाटन के इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमेशा इस बात को मूल मंत्र मानने वाले आदरणीय विधायक महोदय, जो हमेशा कहते हैं कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, और इसीलिए छोटे छोटे बदलाव कर यहाँ बहुत अच्छे से चीजों को स्थापित करने वाले श्री प्रकाश जरवाल सर से अब अनुरोध, वो आए और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत करें क्षेत्रीय विधायक महोदय का अनुरोध संबोधन के लिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के लोकप्रिय हरदिल अजीज, आम आदमी का सपना लेकर चलने वाले नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से देवली की जनता से मैं स्वागत चाहता हूं उन्हें। साथ ही एक बेहतरीन शिक्षा मंत्री अतिशी जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान पिछले 10 सालों से दिया, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बनती हैं। संघ सेक्रेटरी एजुकेशन अशोक जी, हिमांशु जी डायरेक्टर एजुकेशन, तमाम अधिकारीगण और सम्मानित मेरी जनता, संगम बिहार से आए तमाम मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको आज बधाई देता हूं कि माननीय
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमें 30 साल बाद को एक स्कूल संगम बिहार में मिला है। आज जो दो स्कूल थे वो 30 साल पहले बने थे, उसके बाद किसी सरकार ने कोई स्कूल नहीं बनाया। हमारे बच्चों को एक एक क्लास में ओवर क्राउडेड बैठना पड़ा। ये स्कूल बहुत पहले बन जाता, अरविंद जी ने लगातार इस पे प्रयास करे, मगर इस लैंड में डिस्प्यूट होने के कारण इसे 8 साल लग गए, डिले होता गया, 8 साल लग गए, डिले होता गया। मगर मैं अपने बड़े भाई मनीष जी जो उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी लगन से, मेहनत से इस डिस्प्यूट को एक दिन सुबह 6 बजे आए, 7 बजे मुझे बुलाया और यहाँ तमाम जितने लोग थे उनके साथ मीटिंग करके ये जो डिस्प्यूट था उसे खत्म करा और आज हमारे बीच में 90 कमरों का स्कूल संगम बिहार के लोगों के लिए जी आज तैयार है। हमारी सरकार ने पिछले 8 साल से 9 साल से, मुझे ध्यान है 2012 में अरविंद केजरीवाल जी के पैर संगम बिहार में पड़े थे, वो पानी के माफियाओं से लड़ने आए थे और मैं भी उनके पीछे पीछे आ गया। आने से आप लोगों के प्यार से, मोहब्बत से, वोट से हमारी सरकार बनी और देवली संगम बिहार में तमाम काम हुए और इतने बेहतरीन काम शायद पिछली सरकारों ने नहीं करे। हमारी बिजली पूरी हुई, महिलाओं का सफर मुफ्त हुआ, पूरे संगम बिहार में जहां फॉरेस्ट लगा था पानी की लाइनें नहीं डल सकती थी, सड़कें नहीं बन सकती थी, 40-40 साल से सड़कें नहीं बनी थी, बुद्ध बाजार एल्फर्स, बच्चे कीचड़ में से निकल कर जाते थे स्कूल, ये हालात थे। मैंने सर को बताया, सड़कें भी बनाई, पानी की लाइनें भी डाली और अब सीवर का कार्य पूरे संगम बिहार में हो रहा है, हर गली में, हर घर में हो रहा है। ये तमाम काम हुए और सर एक सपना देखते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य हर एक आम आदमी का सपना है, उसे मिलना चाहिए, देश में हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। हमें पिछले 9 सालों से संगम बिहार की जनता को जितना प्यार अरविंद केजरीवाल जी से मिला, उतना प्यार पिछली सरकारों ने कभी नहीं दिया, ना विकास कार्य करे। एक हमारे यहाँ के संगम बिहार के बच्चे सर, पिछले साल 4 बच्चे नीट की परीक्षा पास करके निकले हैं, एक बच्चा जेई मेंस की परीक्षा पास करके आईआईटी में गया है। तो संगम बिहार के बच्चों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। ये सीमित संसाधनों में जब इन्हें यहां से जाते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि संगम बिहार की 35-40 साल पुरानी पानी की समस्या है, मगर आपके कर कमलों द्वारा हमने 150-200 ट्यूबवेल लगाए पिछले 9 सालों में, टैंकर दिया उसे मिनिमाइज किया, आपने पानी की लाइन बिछाई, उसमें पानी भी दिया पिछले साल, मगर जैसे ही एलजी साहब आए उन्होंने रेनी वेल्स बंद कर दिए, उन लाइनों को पानी बंद कर दिया। एलजी साहब सर जानते हैं, सरकार जानते हैं विपरीत परिस्थितियों में कैसे सरकार चल रही है, बजट की क्या परेशानी हो रही है, मगर मैं एक नेता को पूरे देश में जानता हूं, वो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थितियों में अपनी हिम्मत और हौसला को नहीं छोड़ते और आपके कामों को रुकने नहीं देते। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम संगम बिहार के लिए इन्हीं लाइनों में हर घर पानी भी पहुंचाएंगे और बहुत जल्द पहुंचाएंगे। और आज मैं पुनः बधाई देता हूं सर को कि 90 कमरों का ये स्कूल आपने हमें संगम बिहार के लोगों को समर्पण किया, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं, हमारी सरकार का धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, और आपकी तालियों से उनका स्वागत चाहता हूं और आपका हौसला और आपकी ताकत, आपकी शक्ति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सी ब्लॉक संगम विहार की ये बच्चियां आप सबके सम्मान में इस सांस्कृतिक प्रस्तुति को हम सबके बीच रख रही हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से आइए इन बच्चों का स्वागत करें और मेरा अनुरोध हमारे इन बच्चों से इस सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए।
पर जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए और उन मनोभावों को जो पहुंचाया उन्होंने हमारी सभी अतिथि श्रृंखला में। और अब जहां भी रखा है कदम, खिल उठा है गुलशन का समा, आपने जरूर नूर को लब से छुआ होगा, है आपके आने से ही वीरानों में बहार, ये आगाज है तो मंजिल का निशा कैसा होगा। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री दिल्ली आदरणीय आतिशी मैडम से वो हम सबको संबोधित करें। और आप सबसे अनुरोध एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत करें। अनुरोध मैडम से संबोधन के लिए। एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे, सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहां मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रकाश जारवाल जी, शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निदेशक हिमांशु जी, यहाँ पर आए एजुकेशन डिपार्टमेंट की हमारी सारी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और सबसे ज़रूरी यहाँ पर आए सारे इलाके के बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों और स्कूल के सभी प्यारे बच्चों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम और सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज हम इस शानदार स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पे संगम विहार और देवली वाले इलाके में हमेशा ऐसा माना जाता था कि सुविधाओं की कमी है, हमेशा ऐसा माना जाता था कि सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, हमेशा ऐसा माना जाता था कि हमें मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना होगा, वो सरकारी स्कूल जो टूटे फूटे होते हैं, वो सरकारी स्कूल जहां पे लाइट नहीं होती है, वो सरकारी स्कूल जहां पे पंखे मोड़ के टूट गए होते हैं, वो सरकारी स्कूल जहां पे पीने का पानी नहीं होता है, वो सरकारी स्कूल जहां टॉयलेट साफ नहीं होता है, वो सरकारी स्कूल जहां पे बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होती है। हम लोग ऐसा मानते थे कि हमें मजबूरी में अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी माताएं बहने हैं, हमारे बहुत सारे भाई आए हुए हैं जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएं। और बहुत सारे यहाँ पे हमारी माताएं और बहने हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजा तो बच्चे को अच्छा भविष्य नहीं मिलेगा, घर का खर्चा नहीं चलता था, लेकिन फिर भी बच्चे को सोचते थे कि हम कैसे अच्छा भविष्य दें। लेकिन ये संगम विहार की खुशकिस्मती थी, ये देवली की खुशकिस्मती थी और ये दिल्ली वालों की खुशकिस्मती थी कि 2015 में दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला जिनको आपके बच्चों की आपसे ज्यादा चिंता थी। ये दिल्ली वालों की खुशकिस्मती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने ठान लिया, उन्होंने ठान लिया कि चाहे कोई बच्चा अमीर परिवार से हो या चाहे बच्चा गरीब परिवार से हो, बच्चों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। कोई एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। एक बच्चा अगर गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो उसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि उसे दुकान में बैठना पड़ेगा या उसे मैकेनिक बनना पड़ेगा या किसी के घर के काम, घर में काम करना पड़ेगा। और पिछले 8 साल में जो दिल्ली में शिक्षा क्रांति अरविंद केजरीवाल जी के
नेतृत्व में आई है। आज उसका नतीजा है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। यह उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि पिछले 7 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। यह उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि हर साल हजारों बच्चे IIT, JEE, नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और यह उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। यह अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति का नतीजा है। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि संगम विहार देवली जैसे घनी आबादी वाले इलाके में, ऐसे इलाके में जहां पे सड़क बनाना मुश्किल है, यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा शानदार स्कूल बना के खड़ा कर दिया है। मुझे इस बात पर गर्व है। जब आप आइए संगम विहार से और देवली से होते हुए आप कच्ची सड़क पे अंदर जब घुसते हैं तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा चमकता हुआ शानदार स्कूल यहाँ पे इलाके के बच्चों को मिल सकता है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। स्कूल अच्छा है कि नहीं है? किस किस को स्कूल अच्छा लग रहा है? मजा आएगा स्कूल में पढ़ने में? मुझे भी इस बात का भरोसा है कि जो सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं खुश होके स्कूल आएंगे, यहाँ पे शानदार पढ़ाई करेंगे और ना सिर्फ अपने परिवार का, ना सिर्फ अपने स्कूल का, पर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे इस संगम विहार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे ऐसा शानदार स्कूल बनाने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक बार जोरदार तालियों में बजाकर आप सब आभार व्यक्त करें, क्योंकि एक समय दिल्ली के स्कूलों के नाम कुछ इस तरह जाने जाते थे, टेंट वाला स्कूल, गड्ढे वाला स्कूल, टीन वाला स्कूल, SPS वाला स्कूल, और आज हम कहते हैं पायलट स्कूल, एक्सेलेंस स्कूल, स्विमिंग पूल वाला स्कूल, हॉकी टर्फ वाला स्कूल। तो एक बार जोरदार तालियां इन बदलावों के लिए। और एक एक विद्यालय से आज 40, 51, 55, 53 बच्चे नीट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली इस दिल्ली के सारे शिक्षा परिवार के लिए। साथ ही हम एक बार जोरदार ताली अपने PWD मिनिस्टर और उनकी टीम इंजीनियर्स के लिए भी जोरदार बजाएं एक बार, जिनके कारण हम ये बेहतरीन भवन बना पाए। और अब तुमसे ही ऊंचा है जग में दिल्ली की शिक्षा का भाल, शत शत वंदन आज तुम्हारा भारत माँ के लाल। संयम, साहस और धैर्य की तुम सच्ची परिभाषा, शिक्षा के गौरव से बढ़कर कोई न निज अभिलाषा, कोई न निज अभिलाषा, कोई न निज अभिलाषा। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल को संबोधन के लिए। एक बार ऊपर जोरदार तालियां आप लोग बजाएं और सम्मान करें अनुरोध सर से संबोधन। भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दिल्ली सरकार खूब सारे काम कर रही है। रोज मैं कहीं ना कहीं दिल्ली में किसी ना किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जाता हूँ। कहीं सड़कें बन रही होती है, कहीं पानी, कहीं बिजली, कहीं फ्लाईओवर। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब किसी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए जाता हूँ। महीने में दो तीन नए स्कूल पूरी दिल्ली में बन रहे होते हैं। दो तीन स्कूलों का उद्घाटन हर महीने करने जाता हूं। इतने ही शानदार स्कूल पूरी दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है जब स्कूलों का उद्घाटन करने जाता हूं, जितनी खुशी
लोगों के बच्चों के चेहरे पे दिखाई देती है स्कूलों में। आज भी जितनी खुशी आप सब लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रही है वो और किसी काम में दिखाई नहीं देती जितनी स्कूलों के उद्घाटन में दिखाई देती है। हमारे में से बहुत सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं बहुत गरीब परिवार से आते हैं। सारा सारा दिन आदमी मेहनत करता है, अलग अलग, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई मजदूर है, कोई प्लम्बर है, कोई किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कारपेंटर है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है। कई घर तो ऐसे हैं जिसमें गुजारा नहीं चलता, माँ भी काम कर रही होती है, पिताजी भी काम कर रहे होते हैं, दोनों की कमाई मिला के भी गुजारा नहीं चलता। और प्राइवेट स्कूल वालों ने छोटे से छोटे टुच्चे टुच्चे प्राइवेट स्कूल भी ले लो आप, उन्होंने भी अपनी फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि एक आम आदमी अब अपने बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं बचा। तो मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा करते थे। इतनी मेहनत करने के बाद, माँ बाप के कमाने के बाद, दोनों के कमाने के बाद भी घर में पैसा नहीं बचता था, मजबूरी में भेजते थे सरकारी स्कूल। और जैसा भी आतिशी मैडम ने बताया, सरकारी स्कूलों का इतना बेड़ा गर्क था, सारी दीवारें टूटी पड़ी थी, छत चूहा करती थी, सारे नीचे बोरी पे बैठा करते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, बच्चे फेल होते थे। मैं भी राजनीति में आने के पहले झुग्गी झोपड़ियों में एनजीओ में काम किया करता था। एक हम देखते थे सरकारी स्कूलों में उस टाइम इतनी बुरी हालत होती थी, साल दो साल माँ बाप अपने बच्चों को भेजते थे सरकारी स्कूल में, फिर नाम कटा के कहते थे पढ़ाई तो होती नहीं है, टाइम खराब कर रहा है, चल तू भी काम पे लग जा। होता है कि नहीं होता? अपने बच्चों को भी काम पे लगा लेते थे, भाई दो पैसे तो कमा के लाएगा। लेकिन अब स्कूल, अब ये हालत नहीं बची। हमको 7-8 साल ही हुए दिल्ली में काम करते करते, जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हो गया। पूरी दिल्ली के अंदर अब सरकारी स्कूलों का काया पलट हो रहा है। इतना शानदार स्कूल अभी मैं आपके सामने घूम के आया, आप लोग घूमे कि नहीं घूमे स्कूल में? किस किस ने देखा स्कूल, हाथ खड़े करके बताओ। कईयों ने अभी नहीं देखा, जाने से पहले ग्राउंड मार लेना पूरे स्कूल का। बहुत शानदार स्कूल बना है, क्लासरूम बहुत अच्छे बने हैं, लेबोरेटरी बहुत अच्छी बनी है, बहुत शानदार स्कूल बना है। कई जितने मैं समझता हूँ इस देवली विधानसभा के अंदर जितने छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल होंगे, सबसे ज्यादा अच्छा स्कूल अब सारे प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा, सबसे अच्छा स्कूल अब आपका ये बना है। अब अपने गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरा एक बेटा एक बेटी है, उनसे अलग नहीं मानता मैं आपके बच्चों को। जैसी शिक्षा मैं अपने बच्चों को देता हूं उससे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा मैं आपके बच्चों को। आपके बच्चों को भी बड़ा बड़ा होकर डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। अभी आपके विधायक ने जैसे बताया, यहां से कई बच्चों का नीट में पास हो गए। नीट का मतलब डॉक्टरी का इम्तिहान जो होता है। कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं सरकारी स्कूलों से, कई बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। जेई सबसे मुश्किल परीक्षा होती है, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अब इंजीनियर बनने लग गए। तो अब इंटेलिजेंस जो है वो पैसे की मोहताज नहीं होती। ऐसा नहीं कि अमीरों के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, गरीबों के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। अभी तक गरीबों के बच्चों को अवसर नहीं मिलते थे, अभी तक गरीबों के बच्चों को मौका नहीं मिलता था। अब हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अब आपके बच्चों को मौका मिलेगा। देखना आपके बच्चे क्या करिश्मा करके दिखाते हैं बड़े होके। यही बच्चे आपका भी नाम रोशन करेंगे और यही बच्चे देश का भी नाम रोशन करेंगे। पानी का करा रहा हूं बहन जी इंतजाम, अभी आपके विधायक से मैं पानी की बात कर रहा था। चिंता ना करना, मेरी नजर में है ये पूरा इलाका, संगम विहार देवली, यहाँ पे पानी की चिंता है। मेरी जिम्मेदारी है, पानी का भी इंतजाम कर रहा हूं। अभी सीवर की लाइनें तो डल रही है ना सारी जगह, सड़कें भी बनानी चालू कर दी, पानी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
आपको बताएं कितनी तकलीफ के साथ और कितनी मुसीबतों के साथ हम सरकार चला रहे हैं। पानी का भी इंतजाम करेंगे। अभी जब मैं आया, हमने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पे माला चढ़ा के उनका सम्मान किया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान केवल माला चढ़ाने से नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर कह के गए थे कि अगर आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब भी बहुत गरीबी में जिए थे, लेकिन वो लंदन से डिग्री करके आए थे, ऑक्सफोर्ड से डिग्री करके आए थे, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री, अमेरिका से डिग्री करके आए थे। उन्होंने पढ़ाई करी थी, इसीलिए वो आगे बढ़े। तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, और इस स्कूल का नाम भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से रखेंगे इस स्कूल का नाम। मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चे बड़े होके खूब फलें फूलें, आगे बढ़ें, आपका भी नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, प्रतिभा इन विद्यालयों में कूट कूट कर भरी हुई है। हमारे दो बच्चे इस अवसर पर आपको आपका एक पोर्ट्रेट गिफ्ट करना चाहते हैं इस स्कूल के। तो बंटी, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगम विहार, जोरदार थालियां। ये बंटी ने दोनों पोर्ट्रेट बनाए हैं आदरणीय सर का और मैडम का। बंटी अब इस पेंटिंग को सर को गिफ्ट कर रहा है। देखिए, जोरदार थालियां, ये प्रतिभा। और जोरदार सब लोग खड़े होकर सम्मान करें, जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके बजाएं इस बच्चे के लिए, सरकारी स्कूल की प्रतिभाओं के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब चले थे कभी जमी से मगर आसमां तक पहुंच गए, शिक्षा निदेशक सर हम आपकी सरपरस्ती में कहां से कहां पहुंच गए। अब अनुरोध सर से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा मंत्री मैडम आतिशी जी, एरिया एमएलए श्री प्रकाश जी, सेक्रेटरी एजुकेशन, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व के अंदर हर साल दिल्ली के अंदर शिक्षा विभाग को 25% से ज़्यादा बजट मिलता है, और उसके तहत दिल्ली के हर कोने के अंदर ऐसी शानदार बिल्डिंग बनाई गई हैं, और संगम विहार के अंदर भी इतने रिमोट और टफ एरिया के अंदर भी इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई गई, और ये बिल्डिंग के अंदर हर तरीके की सुविधा है, और इस स्कूल के अंदर साइंस भी दी जा रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री मैडम का, जिनकी कंटिन्यूस सुपरविजन के तहत इस बिल्डिंग को रिकॉर्ड टाइम के अंदर हैंडओवर किया जा रहा है, और तुरंत इसी सेशन से ये स्कूल चालू हो रहा है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैडम आपका। एरिया एमएलए का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर कंटिन्यूसली मॉनिटर किया काम को और इतना जल्दी ये स्कूल बन पाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शिक्षा सचिव का, जो कंटिन्यूसली हमारे साथ शिक्षा विभाग के अंदर एज अ लीडर हमें सपोर्ट करते हैं और पूरे तरीके से काम को मॉनिटर करते रहते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे फील्ड टीम का, खासकर डेप्यूटी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट, डेप्यूटी डायरेक्टर जोन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जिन्होंने यहाँ पर काम किया और इतनी कठिन परिस्थिति के अंदर भी इतना सुंदर स्कूल बनाया, और आशा करते हैं कि ये स्कूल यहाँ के सभी बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा। और जो भी समस्या थी पहले यहाँ पर कि बच्चों को बाहर कॉरिडोर में खड़ा होना पड़ता था, वो हर तरीके से बच्चे उससे निजात पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप सबसे अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सावधान की मुद्रा में। सभी से मेरा अनुरोध। और अब राष्ट्रगान। I'm gonna need you.